हमारा जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सब आपको मालूम है कि 600 साल पुराना जो हमारा रविदास मंदिर तोड़ा गया है उसके विरोध में ये सब कुछ हो रहा है। रविदास मंदिर को लेकर रविदास समाज के साथ साथ वाल्मीकि समाज, कबीर समाज और खटीक समाज, सासी समाज, पूरे समाज का समर्थन हमारा है। अगली रणनीति हमारी ये है, चंद्रशेखर रावण भाई से हमारी बात हुई है, जिग्नेश मवानी जी से भी हमारी बात हुई है। अगली रणनीति हमारी है 15 दिनों के बाद, अगर 15 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो हम लोग तुगलकाबाद के ऊपर अगली भीड़ जमा होगी और भारत बंद का ऐलान करेंगे। और ये जो हमारा आंदोलन होगा आने वाला, ये 2 अप्रैल से भी बढ़ के बड़ा आंदोलन होगा। मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन से रास्ते हैं जिनके रास्ते में कहीं मंदिर ना आते हों, जहाँ पूजा के ग्रह ना आते हों, कहीं मस्जिदें खड़ी हैं, कहीं मंदिर खड़े हैं, आज तक एक भी मंदिर को, एक भी मस्जिद को उसमें नहीं गिराया गया। यहाँ राष्ट्रपति भवन के सामने, इंडिया गेट के सामने, वहाँ पर लेक के बीच में वहाँ पर मस्जिद है, मंदिर हैं, आज तक वो जब से लेक पड़ी थी 1910 से आज तक वो लेक यूं की यूं है, उनमें मंदिर यूं के यूं खड़े हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो जजेज इतने लंबे चौड़े जो है, बहुत बड़े जो है, देश की किस्मत के जो है वो हैं, वो उन्होंने कैसे सोच लिया ये कि मंदिर को वो जो है DDA उनको वो रिमूव कर दे। मंदिर वो 516-17 से आज तक की यादगार है। वो यहाँ पर अम्बाड़ा में जगह जगह हर एक शहर में सड़कों के बीच में जो ना ये मंदिर और मस्जिद हैं, लेकिन एक को भी सरकार ने कभी उसको नहीं किया। ये गुरु रविदास का मंदिर और वो भी इम्पोर्टेंट जगह पर, सिकंदर लोदी की दी हुई 700 बीघे जमीन थी, 700 बीघे वो घटती 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 8 बीघा जमीन रहेगी, 12 बीघा रहेगी, और उसमें भी उनको नहीं सुहाया। गुरु रविदास का मंदिर, जहाँ पर गुरु रविदास वहाँ पर ठहरे थे, रात को विश्राम किया था, उनकी यादगार में उनके भक्तों ने वो मंदिर बनाया था। और उसके बाद वो जालंधर गए, जालंधर के पास भी 9 किलोमीटर दूर बल्ला में, वहाँ गुरु रविदास की गद्दी है। आज पंजाब में बल्ला समेत जगह जगह गुरुद्वारे हैं उनके, मंदिर हैं उनके। यहाँ मंदिर उनको क्या तकलीफ देता था, मैं तो ये समझता हूँ कि ये गुरु रविदास के प्रति अश्रद्धा, ये सारे शेड्यूल कास्ट की तरफ और बैकवर्ड क्लास और जितनी भी गरीब जनता है उसके प्रति इनकी नफरत है, इन सुप्रीम कोर्ट के भी और सरकार की भी, DDA वालों की भी, उन्होंने जानबूझ करके इस मंदिर को ख़त्म किया है। मेरा नाम रजत कलसन, एडवोकेट हूँ मैं और हरियाणा बेस्ड हूँ और दलित राइट्स पे एट्रोसिटी पे काम करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है और इस फैसले में जो भारत सरकार के वकील रहे, जो दिल्ली सरकार के वकील रहे, लिटिगेशन नीचे मजिस्ट्रेट सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है और 600 साल पुराना ये मामला है। और चाहे 600 साल पुराना मामला हो, चाहे 700 साल पुराना मामला हो, सभी के रेवेन्यू पेपर्स सरकार के पास रहते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो वह सभी के सभी फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स निचली कोर्ट के सामने रखती, यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आती। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट के बारे में फैसला था, SC ST एक्ट के बारे में फैसला था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाते हुए एक तरफा फैसला लेते हुए और SC ST एक्ट के कुछ प्रोविजंस को ख़त्म करने का काम किया, जिसके बारे में 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ। अब ये मौजूदा फैसला आया है, मौजूदा फैसला के बारे में मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला देने के बाद 30 दिन का टाइम देना चाहिए रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया और कहा विद इन आवर्स इसको डेमोलिश करके हमारे पास रिपोर्ट पेश करो। ऐसी उनके पास क्या आफत आई हुई थी कि रातों रात वो तोड़वाना चाहते थे। हमको जो हमारा लीगल रेमेडी के लिए जो टाइम मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो टाइम देना चाहिए था, वो टाइम हम लोगों को नहीं दिया। बेगमपुरा साहब एक गुरु रविदास की परिकल्पना है, जहाँ पर
जाति विहीन धर्म विहीन समाज रहे, प्रेम सुख से रहे और जहाँ पर गम नाम की कोई चीज़ नहीं हो, जब जहाँ पर सबको सभी की समान रूप से सभी सुविधाएं, खाना पीना सारी चीज़ें उनको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलती रहे, इस समाज की इन्होंने एक देश की एक उसकी कल्पना की थी। Thank you.